लॉकडाउन के चलते जो लोग दुर्ग जिले में फंसे हुए हैं उन्हें सरकार द्वारा अपने स्थान पर भेजने एवं अन्य राज्य से दुर्ग जिले में वापस लाने के लिए कई प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। अत्यधिक जरूरतमंद लोगों के दुर्ग जिले से जाने आने के लिए कई प्रकार के दिशा निर्देश शासन की ओर से जारी किए गए हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए दुर्ग जिले के एडीएम गजेंद्र ठाकुर ने पूरब टाइम से बात करते हुए कुछ इस तरह से जानकारी दी। यदि कोई व्यक्ति जो भी निर्देश हमको मिले हैं, अभी आया उसे निर्देश आए नहीं है, लेकिन जो स्पष्ट तौर पे है वो ये है कि यदि कोई व्यक्ति जाना चाह रहा है वहाँ से किसी दूसरे राज्य के किसी जिले से वापस लाना चाह रहा है तो हम वन वे यहाँ से परमिशन तो हम जारी कर देंगे वहाँ जाने के लिए। वहाँ से आना है तो उनसे वहाँ से उनको परमिशन लेके यहाँ आनी पड़ेगी। परंतु यदि वो इस बात से लगा रहता है कि नहीं मुझे आने जाने की परमिशन चाहिए तो उस स्थिति में उसको हम गृह विभाग को भेज देंगे तो होम सेक्रेटरी महोदय उसमें जो भी निर्णय उसमें करेंगे वो अपने हिसाब से करेंगे, फिर उसके आधार पर उसमें निर्णय ली जाएगी। इसके अलावा यदि हॉटस्पॉट जिले से यदि दूसरे राज्य के हॉटस्पॉट जिले से वापस आ रहा है तो सीमावर्ती जो कलेक्टर्स हैं वो या संबंधित कलेक्टर्स हैं वो उसमें निर्णय करेंगे कि उनको परमिशन दी जाए कि ना दिया जाए। तो मैं क्या स्थिति अभी आज निर्देश जारी हुए हैं कि जितने भी दुर्ग जिले के या जो अन्य छत्तीसगढ़ राज्य में अन्य जिले हैं तो वहाँ के जो भी ऐसे जो यात्री जो यहाँ से बाहर जाना चाह रहे हैं तो उनको परमिशन देने के लिए स्पष्ट कह दिया गया है कि उनको परमिशन दो अपनी जगह पर जाए। सेकेंडरी ये है कि यदि यहाँ से कोई ड्राइवर लेके जा रहे हैं तो वापसी के लिए उनके लिए ये है कि जो जिस जगह पे जा रहे हैं वो हॉट स्पॉट नहीं है तो उन जगहों पे फिर ड्राइवर वहीं रुक जाएगा और जो ग्रीन जोन है तो वहाँ से ड्राइवर वापस आ सकता है, ये भी व्यवस्था कर दी गई है। तो इस प्रकार जो मैक्सिमम आवेदन हमारे पास आ रहे थे ये दुर्ग जिले से बाहर जाने के लिए, तो चूँकि शासन के इस निर्देश के अनुसार वो फिर अधिकांश लोगों का जो प्रॉब्लम है वो हल हो गया है। उसके लिए ये है कि चूँकि यहाँ से वन वे परमिशन होते हैं इन जनरल, तो यहाँ से जिस जगह पर वो जा रहे हैं यदि हॉट स्पॉट जगह नहीं है तो उस जगह पे हम जाने की परमिशन दे दे रहे हैं, उसके बाद वापस आने की परमिशन संबंधित राज्य से उनको अपना लेना पड़ेगा, वो लेंगे तब वो यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि अपन ने जाने का भी दिया है वहाँ से आने का उसमें ले सकते हैं। इसके लिए जो पूर्व में निर्देश जो जारी हुए थे उसमें ये स्थिति थी कि यदि कहीं बाहर स्टेट से हमारे स्टेट पे यदि कोई आ रहा है तो उन परिस्थितियों में जो सीमावर्ती क्षेत्र में यदि आपत्ति की स्थिति में जो शासन के निर्देश हैं कार में दो ही लोग बैठ सकते हैं, सामने ड्राइवर और पीछे जो यात्री यात्रा कर रहे हैं वो, और यदि तीन सीटर है तो सामान्य तौर पर चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग का मैनेज करना है तो उस आधार पे एक लेयर पे एक बैठना है तो उस आधार पे सामान्य तौर पे हम लोग तीन लेयर को परमिट कर दे रहे हैं। पर्टिनेंट कॉलेज यहाँ पे क्या है कि चूंकि कलेक्ट्रेट में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी और चूंकि जगह कम है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जनरली नहीं हो रहा था, तो उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है, आवेदन बहुत ज़्यादा आ रहे थे तो प्रॉपर वे पे एक सुचारू तरीके से ये चले, आपको आवेदन लेना आवेदन जमा करना और प्लस पास जारी करना, तो उसके लिए फिर पॉलिटेक्निक कॉलेज दुर्ग को फिर हम लोगों ने चिन्हांकित किया है। लॉकडाउन के समय पालकों व स्थानीय निवासियों द्वारा अपने बच्चों व प्रियजनों को दूसरी जगह से लौटाकर वापस बुलाना, इसके लिए दुर्ग जिले के प्रशासन के द्वारा स्पष्ट निर्देश व शीघ्र कार्रवाई से आम जनता में हर्ष की लहर है।